हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं बर्फ़ी, वो भी बहुत ही जल्दी बनाएंगे और बहुत जल्दी बनने वाली बर्फ़ी बनाएंगे। तो गाइस, हम आ गए किचन में। तो हम लिए हैं 1 लीटर दूध, तो हम चले हैं दूध से ही बर्फ़ी बनाएंगे। तो हम गैस की तरफ आ गए हैं, गैस पर रख दिए 1 आयरन की कढ़ाई यानी लोहे की कढ़ाई, और उसमें डाल दिए थोड़ा सा पानी और उसमें हम डाल दे रहे हैं दूध। थोड़ा सा पानी इसलिए डालते हैं ताकि दूध कढ़ाई के तलवे में छिपके नहीं, इसलिए डाला जाता है। कढ़ाई या भगोने में किसी चीज़ में आप बनाओगे जब, तो दूध को गर्माओगे तो डाल देना। तो देखो दूध हमारा हल्का गर्म हो गया। अब हम निकाल रहे हैं इसमें से 3 चम्मच दूध इसमें निकालेंगे। देखो एक निकाले इसमें और इसमें 2 चम्मच दूसरी कटोरी में निकालेंगे, तभी हम आगे बताएंगे कि दूध को हम क्या करेंगे। तो देखो निकाल लें 2 चम्मच इसमें निकाल रहे हैं, यानी कलछी, 2 कलछी भर के। तो देखो एक कलछी ली हूँ, उसमें हम डाल दे रहे हैं केसर के धागे 10-12, क्योंकि हम केसर वाली बर्फ़ी बना रहे हैं तो इसको हम इसलिए इसको भिगा दे रहे हैं। इसको भिगा कर दे साइड में, थोड़ी देर में ये फूल जाएगी। उसके बाद देखो दूध को हम इसे चला दे रहे हैं अच्छे से। दूध हमारा गर्म होना शुरू हो गया और गैस का फ्लेम तेज़ रखी हूँ। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं 1/2 कप भर के चीनी। मीठा आप थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ा कम चीनी ले सकते हैं या ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन इतना चीनी इसमें बराबर है। तो देखो अब इसमें हम जो 1 चम्मच ली थी ना दूध बड़े वाले चम्मच से, अब इसमें भी 1 चम्मच डाल देने कॉर्नफ्लोर। इसको डालने से क्या होगा कि बर्फ़ी हमारी जब बनेगी तो दानेदार नहीं होगी, वो दूध में ना दाने नहीं पड़ेंगे, एकदम प्लेन रहेगी बर्फ़ी, दूध हमारा एकदम प्लेन रहेगा, इसलिए ये हम डाली हूँ। इसको डाल के हम अच्छे से चला देंगे ताकि ये नीचे जमे नहीं और ये पक भी जाए। और 2 चम्मच डाल दे रहे हैं घर की ताज़ी मलाई जो दूध में निकलती है, उसको डाल दें, क्योंकि हम काऊ मिल्क लिए हैं इसलिए उसमें तो फैट होता नहीं, इसलिए इसको हम डाल दे रहे हैं। और दोस्तों वीडियो हमारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को हमारी लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबा देना ताकि जो नई वीडियो डालें आप तक पहुँच जाए। देखो इसमें जो हम केसर के धागे भिगा के रखे थे ना, उसको भी डाल देना, अगर आपके पास हो केसर तो डाल देना, वरना कोई ज़रूरी नहीं है डालना। तो जब देखो 2 कप दूध ली थी ना, उसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो 3 चम्मच मिल्क पाउडर ली हूँ, ये जो खाने वाला चम्मच है ना जिससे मिला रही, ये चम्मच से 3 चम्मच ली हूँ। इसको हम अच्छे से मिला दे रहे हैं, मिला के इसको डाल दें कि इसको डालने से क्या होगा, दूध हमारा जल्दी गाढ़ा हो जाएगा और इसमें थोड़ा फ्लेवर भी बढ़ जाएगा। तो देखो इसको डाल के अच्छे से हम चला देंगे अच्छे से, ताकि ये कहीं एक जगह इकट्ठा ना हो जाए। देखो थोड़ा सा डाल दे रहे हैं इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच। देखो दूध हमारा सूखना इसमें शुरू हो गया ना, बिल्कुल बहुत जल्दी ये सूख जाएगा अभी फटाफट से। आप जब ये सूखना शुरू होता है इसमें टाइम नहीं लगता सूखने में, फटाफट से सूख जाता है ये। अब बर्फ़ी हमारी फटाफट से बन के रेडी हो जाएगी। देखो अब जैसे इसको से चलाते रहेंगे, अगर चलाएंगे नहीं ना तो नीचे जलना शुरू हो जाएगा। अगर हलवाई लोग अगर बनाते हैं ना ये बर्फ़ी, तो उसके पास उनके पास तो बड़ा सा चम्मच होता है, बड़ी सी कढ़ाई होती है, बराबर से खूब चलाते रहते हैं, एकदम घोटते रहते हैं उसको। हमारे पास वो छोटी कढ़ाई है, छोटा चम्मच है, लेकिन फिर भी चलाना तो पड़ेगा है ही। देखो इसको ऐसे चलाते रहेंगे, अभी चलाते चलाते देखना ये सूख जाएगी। देखो सूख गई ना बिल्कुल, अभी ये जमने की कंसिस्टेंसी में हो गई, यानी जमने लायक हो गई है। अब इसको हम जमाएंगे 1 ट्रे में। देखो इसे थोड़ा चला दे रहे हैं, देखो 1 ट्रे में इसमें लगा दें घी ताकि ये चिपके नहीं नीचे। अब इसको इसमें डाल दे रहे हैं, हल्का ठंडा होने के लिए छोड़ दी, तब इसको हम निकाली इसमें से, तुरंत ही नहीं निकाली, थोड़ा ठंडा हो गया तब निकाल दूंगा, थोड़ा हल्का से ठंडा हो गया, ज़्यादा नहीं हुआ, बस हल्का ही हुआ है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई ना ज़्यादा गर्म रहती है। तो इसको देखो पकड़ी हुई रुमाल से, नहीं तो ये बहुत गर्म है कढ़ाई अभी। तो इसको वैसे हम निकाल देंगे, निकाल के इसे चम्मच से बराबर कर लें, तो इसको बराबर कर दिए हम। तो इसको भी हम 1/2 घंटा के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दोगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छी कटेगी। हम जल्दी से इसको काटने लगे थे। अब देखो इसमें हम लगा देने चांदी का वर्क, अगर आपके पास हो लगा दें, नहीं तो आप ड्राई फ्रूट ही लगा देना है, क्योंकि बर्फ़ी तो ऐसे ही अच्छी बनी हुई है। अगर आप इसको घर पर बनाओगे तो दीपावली आ रही, दशहरा आ रहा, त्यौहार आने वाले हैं सारे, तो घर के चीज़ों से यानी अपने हाथ से बनाओगे तो साफ़ सुथरी बनाओगे। तो आप अपने घर पे इसको ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा, और बहुत अच्छी लगेगी ये और खाने में बहुत बेहतरीन लगेगी। तो इस दशहरा दीपावली पे आप ज़रूर बनाना। तो देखो अब इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है, इसको पूरा ठंडा करके आप इसको काटना,
तभी अच्छे से कटिंग इसकी होगी। हम इसको थोड़ा गर्म में ही काट दी जल्दी जल्दी में। तो देखो इसकी हम कटिंग कर दे रहे हैं, देखो जैसे कट गई बर्फी हमारी पूरी। अब इसमें हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा पिस्ता, आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इसको डाल सकते हैं। इसको डाल के हम थोड़ा सा चम्मच से दबा देंगे, बस बर्फी बन के रेडी हो गई। देखो अब इसको हम निकाल ले रहे हैं, वाह माशाल्लाह बहुत अच्छी बर्फी बनी हुई है और देखने में देखो कितनी प्यारी लग रही है। और फटाफट से अपने घर में बनाओगे तो अपने हाथ साफ़ सुथरा रहेगा, बढ़िया क्या डालना है क्या नहीं डालना ये भी पता रहेगा। देखो लग रही ना देखने में बहुत अच्छी। तो इसी तरह से आप भी अपने घर पर बनाइए खाइए और इन्जॉय कीजिएगा। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना।